नमस्कार, मैं अमिय कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कहा जाता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो माँ बाप होते हैं, लेकिन सही दिशा में चलाने का जो कार्य करते हैं वो गुरु होते हैं, प्रबंधक होते हैं। तो ऐसे ही आज एक गुरु जी हैं, काफ़ी पुराने गुरु जी हैं, जीनेज स्कॉलर स्कूल के केडी अवस्थी जी, जो कि अब बच्चों का स्कूल खुला हुआ है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता से जो बच्चों को डर के स्कूल भेज रहे हैं? कोरोना काल जैसा अब संकट फिर से आने वाला है, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि ये कोरोना जो COVID-19 ने कोरोना काल चला, इससे हमारे देश में ये बीमारी है, महामारी है। ये किसी की जात धर्म वेशभूषा के आधार पर तो आती नहीं है, ये प्रकृति का विधान है जो चलता रहता है। ये बिल्कुल सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गठित टीमों के द्वारा, दिशा निर्देशन के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके आधार पर ये विद्यालय खुले हैं। और जैसा कि भी आपने कहा कि वास्तव में गुरु का स्थान माता पिता के स्थान से कुछ स्थान दिया जाता है, इसको साकार करना, इसको क्रियान्वयन में लाना, ये हमारी आपकी समस्त जो हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त जो बड़े विद्यालय हैं, हम लोग तो छोटे स्तर पर हैं, ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं, गरीबी पावर्टी लाइन के और हर जात धर्म के बच्चे हैं, तो वो बच्चे उन अभिभावकों के ही नहीं हैं बल्कि जितना से उनका, क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं, हम लोग शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और इसीलिए विद्यालय ज्ञान की मंदिर होते हैं। तो हम लोग तो उनको भाई सुरक्षा की दृष्टि से जो सरकार ने COVID-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है उसके अनुपालन में हम लोग बच्चों को बड़ी सतर्कता के साथ विद्यालय बुला रहे हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं उनसे, उनके अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को मास्क लगा करके, सैनिटाइजर दे करके, लंच पानी की व्यवस्था उस सब अलग करा के भेजिए और अपने स्टाफ से स्वयं कक्षा में निरीक्षण कर। हम लोगों से अपेक्षा करती है कि हम लोग गाइडलाइन का, दिशा निर्देश का पालन करेंगे, उसी की कड़ी में हम लोग कक्षा में बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि एक सीट पर केवल दो बच्चे बैठें और कम से कम एक गज की दूरी बनाकर बैठें। देखिए, स्वास्थ्य सही रहेगा तो शिक्षा भी होगी। ऐसे में अभी देखा गया है कि स्कूल जैसे ही खुला है, कुछ बच्चों को जो शिक्षक हैं वो उस पर बोझ लाद रहे कि आप फीस जमा करिए, अन्यथा आपको जो है स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे बच्चे जो है घर जाकर के खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे में आप कितना जो स्कूल के जो शिक्षक हैं इनसे संतुष्ट हैं? देखिए, मेरा निजी तौर से मानना है, देखिए लोकतंत्र है, और जो ऐसा कर रहे हैं शिक्षक, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। मैं छोटे स्तर से जूनियर हाई स्कूल चला रहा हूँ और मोस्टली हमारा तो विद्यालय अशिक्षित एरिया में, ग्रास रूट एरिया में, पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग का ये क्षेत्र है और सीमित संसाधन में हम लोग विद्यालय चला रहे हैं। मैं ये अपने तौर से कहना चाहता हूँ कि अभी COVID-19 के अंतर्गत 2020 और 21 में विद्यालय बंद रहा है। हमारे यहाँ के जो भी अभिभावक हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से बेचारे जो गरीब गार्जियन हैं वो इसलिए विद्यालय बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हमको इस जो विद्यालय बंद रहे हैं इसकी पूरी फीस देनी पड़ेगी, जो पिछली बाकी होगी वो देनी पड़ेगी, तो हम किस प्रकार से बच्चों को विद्यालय भेजें। मैं ये समझता हूँ, मेरा ही मानना है कि अगर हम अपने अभिभावकों को और स्वयं स्टाफ को बैठाकर आपस में एक तालमेल बना लें कि COVID-19 महामारी में, मैं मानता हूँ कि इस महामारी में जो प्राइवेट स्तर के शिक्षक हैं वो भी भुखमरी के कगार पर हुए हैं, ये मैं मानता हूँ, और उसी तरह से जो प्राइवेट वर्कर्स थे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी रोजी रोजगार बंद हुए हैं और वो भी भुखमरी के कगार पर गए हैं। तो ऐसे में जीवन यापन, जो आर्थिक स्थिति का संकट आया है,
तो मैं समझता हूं कि जो अभिभावक जिसका बच्चा पढ़ रहा है वो हमारे 2 साल 3 साल से संपर्क में है, तो हमें एक मानवता का, देखिए विद्यालय में हमको मानवता का पैगाम देते हुए उन अभिभावकों की परेशानी में शरीक होना चाहिए, और अगर उनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसी हमको अपने से उनके सुख दुख में भागीदारी करते हुए, और सर्व शिक्षा अभियान क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो सबसे पिछड़े पावदान पर बच्चा खड़ा है पैसे के अभाव में या अन्य किसी संसाधनों के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो मुझे कोशिश करना है कि कम खाओ और गम खाओ लेकिन शिक्षित करो, विकास करो, क्योंकि पुरानी परिपाटी थी कि जो बच्चे पढ़ करके आगे जाएंगे, देश के समाज के लिए काम करेंगे, नाम गौरवान्वित करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शिक्षा का भी नाम कहीं ना कहीं आता है, जैसे कि 5 सितंबर आ रहा है, हमारे बीच ये परम आदरणीय भारत रत्न कह लीजिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, मैंने पढ़ा उनकी जीवनी जो आने जा रहा है, उनसे कहा गया कि साहब आज आपका बर्थडे है, जन्मदिन है, से दोनों का रे मेरा बर्थडे क्या मतलब है, बर्थडे का मतलब है उन शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनके ज्ञान के अलौकिक दिव्य पुंज के जरिए मैं स्टेट तक पहुंचा हूं, उनका सम्मान होना चाहिए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने बर्थडे को, अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, आज शिक्षकों का सम्मान दिवस मनाया जा, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने नाम को ना आगे ला करके शिक्षकों के सम्मान का काम किया। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाज।